भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। नितिन गडकरी क्यों खुशी से हुए गदगद। दुनिया का सबसे अमीर देश माना भारत का लोहा। 800 कर्मचारी, 720 मजदूर और महज 105 घंटे में तैयार हो गई 75 किलोमीटर की सड़क। नए भारत की नई तस्वीर। माजरा क्या है आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए, ये देखकर दुनिया के अमीर देशों में शुमार कतर भी भंग रह गया कि आखिर मोदी सरकार ने ये क्या करके दिखा दिया। विकास की नई नींव लिखने वाले भारत के देश को देखकर अब पूरी दुनिया में अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिस बात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो आप खुद ही देख लीजिए नए भारत का नया संकल्प। जब पूरी दुनिया के नए मुस्लिम देशों में नुपुर शर्मा के बयान पर सियासत हो रही है और सियासत के रास्ते बवाल हो रहा है, तब मोदी सरकार के मंत्री अपने देश में विकास के नए रास्ते तैयार करने में जुटे हैं। सही सुना आपने, जिस वक्त बवाल हो रहा है उसी वक्त 800 कर्मचारी, 720 मजदूर और महज 108 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क तैयार हो जाती है, जो कि अभी तक दुनिया के सबसे कम वक्त में तैयार हुई इतनी लंबी दूरी की सड़क मानी जा रही है। तभी तो इस सड़क का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, दुनिया के विकसित देशों में से कतर को भारत ने पीछे छोड़कर करारा जवाब दिया। इसीलिए कतर नुपुर शर्मा को लेकर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत की उपलब्धि की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आइए अब ये भी जान लीजिए कि क्यों बनी ये सड़क आज दुनिया के लिए मिसाल। कैसे आज इस सड़क की मिसाल पूरा देश देख रहा है। 3 जून को सुबह 7:27 पर NHAI ने महाराष्ट्र के अमरावती से ओखला के बीच सड़क बनाने का काम शुरू किया। अब आप सोचेंगे सड़कें तो बनती रहती हैं, इसमें नया क्या है? तो जान लीजिए, नया भी है और बहुत बड़ा और बहुत खास भी है, क्योंकि किसी भी सड़क मार्ग को बनाने में 800 कर्मचारी, 720 मजदूरों को बेड़ा नहीं दिया जाता। 7 जून को जब इस सड़क मार्ग का काम खत्म हुआ तो आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि महज 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी रोड बनकर तैयार हो गई। इसीलिए इस सड़क का नाम रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। अब आपको बता दें कि इस सड़क को बनाने में डामर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। सफलता इतनी बड़ी थी तभी तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुशी से लबरेज होकर ट्वीट करके पूरी की पूरी टीम को बधाई दी और देश को बताया कि हमने क्या इतिहास रचा है। नितिन गडकरी ने जो लिखा अब वो भी सुनिए। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी टीम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा करके दिखाया है। कॉन्ट्रैक्टर और राजपथ इंफ्राकॉन लिमिटेड के साथ साथ जगदीश कदम समेत NHAI को बधाई। इतना ही नहीं, जब नितिन गडकरी के विकास मॉडल का फ्लैशबैक सुनेंगे तो आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2020 में भारत ने चीन सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने की तैयारी शुरू की थी, जिसने चीन सरकार के होश फाख्ता कर दिए थे। तभी से चीन के टुकड़ों पर पलने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत का विरोध का बिगुल बजा रहा था। भारत को अराजक तत्वों के साथ उलझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम नितिन गडकरी कर रहे थे। साल 2017-18 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भारत माला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। इसके अंतर्गत भारत की सीमा से सटे इलाकों पर सड़कें बनाने का प्रावधान था। इसमें आर्थिक कॉरिडोर भी शामिल था। इसीलिए तो मोदी के विकास को बड़े बड़े देश भी ध्यान से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।